हेलो एवरीवन, आज हम जो है कैश बजट का नेक्स्ट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, जो कि आपकी बुक में 15th इलस्ट्रेशन है। और इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कैश बजट की रिगार्डिंग सेल्स, परचेज, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, और ये दी गई है आपको नवम्बर 2016 से लेके अप्रैल 2017 तक की, यानी कि 6 महीने की जो है आपको इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। उसके अलावा जो ओपनिंग बैलेंस दिया गया है कैश का, वो 1 जनवरी 2017 में 15,000 का ओपनिंग बैलेंस जो है दिया गया है। तो हम सबसे पहले रिसिप्ट साइड लिखते हैं, इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ये आपको 1 जनवरी 2017 का दिया गया है 15,000। इसके बाद जो पैसा आता है और हमें वो आता है सेल से, तो सेल्स के रिगार्डिंग क्या बोला गया है, द कस्टमर्स आर अलाउड अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, कि कस्टमर जो है हमारे जिनको हम सेल करते हैं उनको 2 महीने का क्रेडिट पीरियड जो है दिया गया है। मतलब अगर जनवरी के मंथ में सेल की गई है तो 2 महीने लेट की सेल जो है, 2 महीने लेट जो है उसका पैसा हमें रिसीव होगा। तो अब हम जो बजट बना रहे हैं वो जनवरी से बना रहे हैं, तो जनवरी में 2 महीने पहले का पैसा जो है रिसीव हो रहा है। तो जनवरी से 2 महीने पहले कौन सा मंथ आ गया, 1 दिसंबर आ गया, और उसके पहले जो है नवम्बर आ गया, यानी कि नवम्बर की सेल का पैसा जो है वो हमें जनवरी में मिल रहा है। तो नवम्बर की जो सेल है वो 30,000 रुपीज की है। कैश रिलीज फ्रॉम डेटर्स जनवरी में आएगा आपका नवंबर की सेल का 30,000 रुपए। फेब में 2 महीने पीछे चले जाओ, जनवरी दिसंबर यानी कि दिसंबर की सेल का फरवरी में पैसा मिलेगा, ये है 35,000 की आपकी। उसके बाद 25,000 मार्च में, मार्च से 2 महीने पहले फरवरी जनवरी, यानी कि जनवरी में जो सेल की होगी हमने उसका पैसा हमें मार्च में मिला है, और अप्रैल में हमें मिलेगा 2 महीने पहले चले जाओ, मार्च फेब का पैसा जो है वो हमें अप्रैल में मिल जाएगा 30,000 का। ये था कैश रिलीज फ्रॉम डेटर। इसके अलावा कहीं से भी हमें कैश की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं होती है, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे और ए से डिनोट कर देते हैं। इसका टोटल सिर्फ फर्स्ट कॉलम का भी टोटल होगा, क्योंकि बाकी कॉलम्स के ओपनिंग बैलेंस जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है। वो कब आएंगे, जब जैन का पूरा क्लोज कर दिया जाएगा, तो कैश जो एंड में बचा होगा वो हमारा फरवरी में ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, तब हम वहां पे लिखेंगे और फिर टोटल करेंगे। अब पेमेंट साइड पे चलते हैं। पेमेंट्स में जो है आपका सबसे पहले जो मेन पेमेंट की जाती है वो क्रेडिटर्स को की जाती है, पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार में परचेज जो है की होती है। तो परचेजेस के रिगार्डिंग आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है, द क्रेडिटर्स आर अलाउंग ए क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, कि क्रेडिटर्स जो है हमें उधार पेमेंट के लिए जो है 2 महीने का टाइम देते हैं, यानी कि अगर हम जनवरी में करते हैं परचेज तो उसका पैसा जो है हम मार्च में पे कर सकते हैं। तो जनवरी में किसकी पेमेंट आएगी, 2 महीने पहले की पेमेंट जो है आएगी। जनवरी से 2 महीने पहले कौन से आ गए आपके, दिसंबर और नवंबर। नवंबर की पेमेंट जो है आपकी जनवरी में आएगी, नवंबर की आपकी पेमेंट है 15,000 रुपए की। उसके बाद फरवरी में आएगी आपकी दिसंबर की पेमेंट 20,000 रुपीज की। नेक्स्ट आपकी 15,000 और 20,000 अप्रैल में जो आई पेमेंट वो आई आपकी फरवरी की, 2 महीने पीछे चले जाते हैं मार्च और अप्रैल, सॉरी अप्रैल में 2 महीने पीछे की, यानी कि फरवरी में जो परचेज की होगी उसकी पेमेंट जो है हम अप्रैल में करेंगे। इसके बाद आपको कई तरह के एक्सपेंसेस दिए हैं, जैसे कि वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, और इनके रिगार्डिंग बोला गया है
वेजेस आर पेड ऑन द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि जिस महीने की वेजेस है उससे अगले महीने की पहली तारीख को पेमेंट की जाती है, तो नेक्स्ट मंथ में ही लिखेंगे उस पेमेंट को। और जो एक्सपेंसेस हैं उसमें भी हमें जो है एक मंथ का जो क्रेडिट पीरियड है वो दिया गया है, तो सारे एक्सपेंसेस लिख लेते हैं हम। वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद दिया है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। इन सभी चारों तरीके के जो खर्चे हैं हमारे, एक एक मंथ का जो है लेट पेमेंट की जा रही है। जनवरी की पेमेंट फरवरी में, फरवरी की पेमेंट मार्च में, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। जनवरी में कौन सी पेमेंट मिलेगी हमें? दिसंबर की। तो दिसंबर की पेमेंट जो है हमारी वेजेस की है 3200 की। फरवरी में मिलेगी जैन की पेमेंट, ये है हमारी 2500 की। उसके बाद 3000 और 2400। ये आपने एक एक महीने जो है लेट पेमेंट की है। तो जो जनवरी में लिखेंगे वो दिसंबर की, फरवरी में जनवरी की, मार्च में आपकी फेब की आएगी और अप्रैल में मार्च की। इसी तरह बाकी के एक्सपेंसेस, ये हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1225, ये दिसंबर के हैं जो कि जनवरी में पेमेंट जो है की गई है 990, 1050 एंड 1100। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1040, 1100, 1150 एंड 1220। और लास्ट आपका सेलिंग एक्सपेंसेस, ये भी एक महीने लेट हैं, 550, 620 रुपए और 570 रुपए। ये थे आपके एक्सपेंसेस। इसके अलावा फर्दर इंफॉर्मेशन आपको दी गई है एडिशनल। अ डिविडेंड ऑफ रुपीज 10,000 इज पेबल इन अप्रैल, कि अप्रैल में जो है 10,000 का डिविडेंड पे किया गया है, डिविडेंड पेड अप्रैल में पे किया है। तो बाकी के मंथ्स में कुछ नहीं लिखेंगे, इसमें सिर्फ आपका जो है 10,000 रुपए आ जाएगा। उसके बाद बोला है कैपिटल एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड, प्लांट परचेज ऑन 15th ऑफ जनवरी फॉर रुपीज 5,000। 5,000 रुपए का प्लांट परचेज किया और ये जैन में परचेज किया गया है, तो सिर्फ जैन में इसका अमाउंट जो है लिखेंगे, बाकी के कॉलम खाली रहेंगे आपके। अ बिल्डिंग हैज बीन परचेज ऑन 1st मार्च एंड द पेमेंट्स आर टू बी मेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 2,000 ईच, कि मार्च में जो है हमने एक बिल्डिंग परचेज की और उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट आ रही है वो 2,000 रुपए जा रही है। बिल्डिंग परचेज्ड मार्च में पे की थी और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अप्रैल में भी जाएगी 2,000 रुपए की। इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन जो है नहीं दी गई है, कोई खर्चा नहीं है, तो सभी पेमेंट्स का हम टोटल कर लेते हैं और उसको बी से डिनोट जो है करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम का टोटल आ गया आपका 26,015, 25,190, 22,820 रुपए एंड 37,290 रुपीज, ये थी आपकी पेमेंट। अब हमें कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, और वो कैसे आएगा? अगर रिसिप्ट्स में से हम पेमेंट्स जो है माइनस कर देंगे। यहाँ 45,000 की रिसिप्ट्स थी, 26,015 की थी, तो ये आ गया आपका 18,985। जो जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस है वो फेब का ओपनिंग बैलेंस जो है आ जाएगा। अब इसका ओपनिंग बैलेंस है तो इसका टोटल कर देते हैं 53,985। रिसिप्ट्स में से 25,000 की पेमेंट्स 28,795, ये क्लोजिंग है, तो अगले मंथ के लिए ये ओपनिंग बन जाएगा 28,795।
इसका टोटल किया 53,795। ये रिसिप्ट्स आ गई मार्च के महीने की, इसमें से पेमेंट्स ये माइनस की 30,975। ये मार्च का क्लोजिंग है तो अप्रैल में ये ओपनिंग बन जाएगा 60,975। और यहां से ये माइनस किया गया तो 23,685 रुपीज का जो है क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास आ गया है। तो ये था आपका कैश बजट। इसमें जो है आपका सिर्फ पेमेंट्स ही दी गई थी और किसी तरह की कोई कैलकुलेशन जो है इसमें नहीं की गई है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। फिर भी अगर आपको कोई चीज इसमें समझ नहीं आ रही है या कहां से किसी एक्सपेंस की पेमेंट में कैसे लैग किया गया, एक महीने कैसे कोई फिगर आई है, कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको फिर से जो है एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू।